नमस्कार, मैं सारिनी। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबको मिल्क शेक बनाना बतलाऊँगी। ये बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए मैंने 4 खजूर ले लिए हैं, 1 केला लिए हैं, थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता लिए हैं। मैंने 6 से 7 पिस्ता, 7-8 बादाम और 7-8 काजू ले लिए हैं और उसे मैंने रोस्ट कर लिया है। साथ ही साथ मैंने 2 चम्मच मिश्री ले लिया है, 1 छोटी इलायची और खजूर मैंने 4 लिया है। उसके बीज निकाल कर और उसे दूध में मैंने फूलने छोड़ दिया है। मैं 2 कप मिल्क शेक बनाऊंगी, उसके लिए मैं आधे केले का इस्तेमाल करूंगी। साथ ही साथ मैंने दूध ले लिया है। इसमें चाहे तो ठंडा दूध ले, नहीं तो गर्म दूध भी अच्छी लगती है। सबसे पहले पॉट में काजू बादाम और पिस्ता जो कि रोस्ट किया हुआ है, हरी इलायची के मैंने बीज निकाल लिए हैं और 2 चम्मच मिश्री, इन सबको पीस लूँगी। और चाहे तो इसमें थोड़ी सी तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये 4 से 5 तुलसी के पत्ते हैं, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इससे भी इसके स्वाद बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैंने काजू बादाम वगैरह के पाउडर बना लिए हैं। अब इसमें खजूर डाल दूंगी। इसमें बस थोड़ी सी दूध डालकर मैंने फुलाया है। साथ ही साथ मैंने आधे केले लिए हैं, उसके पीसेस कर दिए हैं और उसे भी इसमें डालकर अब इसके स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए, एकदम स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। अब इसमें 1.5 कप दूध डाल दूंगी। ये देखिए कितनी सुंदर सी तैयार हो गई। और इसके ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डाल देंगे। ये मिल्क शेक बहुत ही हेल्दी है, हर दिन के ड्रिंक में शामिल कर सकते हैं। आप भी इसे बनाकर देखें और अपने कमेंट्स में इसे जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।